आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। परम पूज्य चालीस चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न श्री सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणनी अलिका विदुषी रत्न सुपाशी चंद्रमती माता जी की, उत्तम क्षमा धर्म की जय। आज से 10 लक्षण पर्व शुरू हुआ है और 10 लक्षण पर्व में अलग अलग धर्मों का विवेचन है। आज प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म है, क्योंकि जीव का स्वभाव ही क्षमा धारण करना है और जब तक जीवन में उत्तम क्षमा नहीं आती है तब तक आगे के 9 धर्म का पालन भी नहीं होता है। क्षमा वीरों का आभूषण है और क्रोध करना कायरों का दूषण है, क्योंकि छोटे छोटे निमित्त मिलते ही जल्दी से ही व्यक्ति को क्रोध का आवेश आ जाता है। लेकिन यही क्रोध मानव के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए घातक बन जाता है। जब तक क्षमा हृदय में नहीं आती है तब तक मानव का उत्थान नहीं हो पाता है। आज कोई मानव कषाय के आवेश में देव शास्त्र गुरु की निंदा कर लेता है, उसे कितने कर्मों का फल उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हम आज शास्त्रों में पढ़ते हैं, महापुरुषों की कथाओं को पढ़े तो हमें महसूस होता है कि कितने परिणामों के द्वारा कैसे कैसे कर्मों का बंद किया और फल कितना भोगना पड़ा। श्रीपाल राजा ने पूर्व भाग के अंदर 700 मुनि राजों की निंदा की, हंसी मजाक उड़ाई, अवहेलना की, अभिनय किया, किसके द्वारा? कषाय के द्वारा, राजपद के द्वारा। तो आगे जा करके 2-4 भवों के बाद श्रीपाल अवस्था में कोटि भट्ट राजा थे, उस समय उन्हें 700 वीरों के साथ में कुष्ठ जैसा रोग उत्पन्न हो गया और अपना राज्य पद, नगर घाव, परिवार परिजन परिकर सब को छोड़ करके बाहर विदेश जाना पड़ा। ऐसे ही सभी जानते हैं कि कमर के जीव को पार्श्वनाथ भगवान के साथ में शत्रुता थी। पार्श्वनाथ भगवान के हृदय में कुछ भी नहीं था, लेकिन कमर के जीव के मन में क्योंकि कषाय, जो 10 भाव तक भगवान पार्श्वनाथ पर उत्सर्ग करते रहे। ऐसे ही मानव की प्रकृति होती है। मानव 4 प्रकार के होते हैं। हर्ष में मानव होता है, अंधेरे में आया, अंधेरे में रहा और अंधेरे में ही गया। मतलब कषाय के साथ जन्म हुआ, मिठाई के साथ जन्म हुआ
और जीवन पर्यंत के लिए कषाय मिच्छा तो नहीं रहा और मरते समय भी कषाय के द्वारा ही मरण हुआ। उदाहरण में देख लीजिए आप कौरवों को, जन्मजात के संस्कार थे उनके और जीवन पर्यंत के लिए आर्त रोद्र रूप कषाय रूप परिणाम रहे और अंत समय भी क्या हुआ। और दूसरा व्यक्ति होता है अंधेरे में आया, अंधेरे में रहा लेकिन उजाले में गया, उसको आप देखिए अंजन छोड़ जैसे मिट्टा के साथ कषाय के साथ परिणामों की विकृति के साथ जन्म लिया और जीवन पर्यंत वैसे रहा लेकिन अंत में समागम मिला तो अंजन से निरंजन बन गया। तीसरे व्यक्ति के परिणाम अंधेरे में आया लेकिन उजाले में रहा और उजाले में ही गया, वह है सैनिक राजा। मिठात के साथ में क्रोध कषाय के साथ में परिणामों का ऐसे विकृत हुए जो जन्म से ही उनका कषाय रूप परिणाम थे, देव शास्त्र गुरुओं का सानिध्य नहीं रहा। लेकिन जब रानी चेलना जैसा संयोग प्राप्त हुआ तो शायिक सम्मित्व को प्राप्त हो गए। पूर्व में मुनिराज पर कषाय करके मरे हुए सर्प को ले जा करके यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया, लेकिन 3 दिन के पश्चात रानी चेलना को मालूम हुआ तो राजा श्रेणी को साथ में लेकर के मुनिराज के पास पहुंचे और रानी चेलना ने मुनिराज वैसे ही ध्यान में मग्न थे, चेलना ने सोचा कि साधु तो न निंदा से डरते हैं न उपसर्ग विजय उपसर्गों से डरते हैं, वो तो अपने कर्मों का साधन कर रहे हैं, लेकिन जो निंदा करने वाले हैं जो उपसर्ग करने वाले हैं वो नरक निगोद के पात्र बन जाएंगे। राजा श्रेणी को संबोधन कर मुनि के चरणों में पहुंच के रानी चेलना ने मुनिराज के गले में जो सर्प डला हुआ था उसको दूर कर दिया और दोनों ने एक साथ मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया तो मुनिराज ने दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दिया। उस समय राजा श्रेणी के परिणाम इतने निर्मल हुए कि रानी चेलना उपसर्ग को दूर करने वाली है और मैं उपसर्ग करने वाला हूँ, फिर भी मुनिराज ने समान रूप से आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात जब भगवान महावीर के समोशरण में पहुंचे शाही सम्मित्र को प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और भविष्य की आने वाली 24 में प्रथम तीर्थंकर बन जाएंगे। तो जन्म तो उनका अंधेरे में हुआ लेकिन रानी चेलना के सहयोग से उजाले में रहे और उजाले में ही गए। और छोटे प्राणी है जो उजाले में ही आए उजाले में ही रहे और उजाले में ही गए, वो है हमारे महापुरुष तीर्थंकर जो मोक्षगामी है भरत बाहुबली जैसे। इन महापुरुषों के जन्म ही मानव की कल्याण के लिए होता है। तो आज वर्तमान में मानव कषायों के द्वारा कैसे कैसे परिणाम करता है, हंसी मजाक के द्वारा क्रोध मान के द्वारा प्रज प्रतिष्ठा के द्वारा पैसों के लोभ के कारण देव शास्त्र गुरु की निंदा करता है, वज्रमयी पाप का बंधन करता है। हमारे आगम में कहा है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप मंदिरों में आकर के देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर के उन पापों को हम नष्ट कर देते हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में किया हुआ पाप
वज्र के समान होता है, उसका फल अवश्य भोगना ही भोगना रहता है। इसीलिए मंदिरों में आकर के, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर के हमारे परिणामों को निर्मल बनाए। जो आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, उस क्षमा धर्म को हम हृदय में धारण करें, उसी से मानव का कल्याण होता है। क्षमा ही वीरों का आभूषण है, ये कहते हैं सब क्षमा क्षमा क्षमा, लेकिन क्षमा कहने से क्षमा होती नहीं है। जब तक अंतरंग से हमारी क्षमा धारण नहीं होगी, तब तक क्षमा नहीं होता है। उस क्षमा धर्म को धारण करके मानव अपना कल्याण कर सकता है। जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की। अभी जो 10 लक्षण व्रत चल रहे हैं, कई लोगों के पहले से लिए हुए हैं, तो अपनी शक्ति के अनुसार इसको कोई निर्जल 10 उपास करते हैं, अथवा कोई अपनी शक्ति के अनुसार पानी जल वगैरह लेकर के करते हैं, और कोई फल लेके करते हैं, कोई एक दिन छोड़ करके एक दिन आहार करके एकांतर पूर्वक बेला पूर्वक कई साधनों के द्वारा करते हैं। लेकिन अभी कई लोगों के ऐसे प्रश्न आए हैं कि आजकल जो कोरोना वायरस की बीमारी चली है, तो किसी लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि इस समय कोरोना की वजह से व्रत नहीं करना। लेकिन हमारा आगम कहता है कि लिए हुए व्रत को छोड़ना नहीं है। आत्मबल जागृत करिए, आपको कुछ नहीं होगा, कोरोना कुछ नहीं कर सकता है, पुण्य से भग जाएगा। आत्मबल मजबूत करके जिन्होंने जिस रूप से व्रत लिया हुआ है, उस व्रत को अवश्य ही करें। जितनी हमारी शक्ति उतना करिए, लेकिन व्रत को जरूर करिएगा, उसका पालन कीजिएगा। हमारा आगम कहता है कि जितनी आप शक्ति करेंगे, जितनी शक्ति है उतनी तपस्या करेंगे, वो भी आपको फलदायी होगी। अगर 10 दिन उपवास करने की शक्ति नहीं है, तो कम से कम पंचमी अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करके बाकी के दिनों में आप एक टाइम भोजन करें। अगर उससे उतना भी नहीं होता है, तो 10 दिन तक एक टाइम भोजन करें। अगर उससे भी हम कमजोर है, तो 2 टाइम एक स्थान पर बैठ करके भोजन करें। और कम से कम आज जो आपके घरों में बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनके लिए भी 10 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग, पानी का त्याग, अपने घरों के अंदर आलू प्याज जमीकंद आदि उन वस्तुओं का त्याग कराएं। 10 दिन के लिए जितना भी आप संयम रूप रहेंगे, त्याग रूप तप की साधना करेंगे, उतना ही फल आपको सुखदायी होगा। यही 10 लक्षण धर्म का, कम से कम छोटे छोटे भी नियम पालन करवाएंगे बच्चों से, रात्रि में भोजन नहीं कराएंगे, तो उनके भी संस्कार आगे जा करके होते रहेंगे। जय बोलो काशनाथ भगवान की। तीन भुवन में सार बीत राग भी ज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। प्रिय देवादिदेव श्री चंद प्रभु भगवान की जय। प्रिय देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य रत्न 108 श्री सागर जी महाराज की जय। गुरुवर आचार्य कल्प 108 श्री संपत्ति सागर जी महाराज की बोले जय। नय धर्म की जय। बोले उत्तम क्षमा धर्म की जय। 10 लक्षण पर्व का प्रथम दिन, जिसे हम क्षमा धर्म से शुरू करते हैं। प्रत्येक जीव की आत्मा के अंदर क्षमा ही भरी हुई है, क्योंकि जीव का स्वभाव क्षमामय है। परंतु प्रत्येक प्राणी विभाव भावों के कारण से इस संसार में राग द्वेष की परिणति करता हुआ
क्रोध मार माया लोभ को धारण कर लेता है। यह क्रोध कसाय जीवन के अंदर प्रत्येक मानव को स्वयं का दुखी बनाता है और स्वयं के शरीर का नाश करता है। देखिए, जल का स्वभाव ठंडा होता है, पानी को अग्नि के संस्कार मिलने से वह गर्म हो जाता है, उबल जाता है, परंतु जैसे ही संस्कार दूर किया जाता है उसी प्रकार वह पानी भी स्वयं अपने आप अपने स्वभाव में आ जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव कसाय करता है, क्रोध करता है, कितनी देर करेगा। निमित्त ऐसा मिल जाने पर सोचिए, एक क्षण के अंदर जैसे दूध में उफान आता है, ऐसे मानव के अंदर भी उस क्रोध कसाय की जागृति हो जाती है, परंतु वह कितने समय तक रहेगा? क्रोध मानव कितने समय करेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितनी देर करेगा? आखिर उसे अपने स्वभाव में आना ही पड़ता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव बहुत शांत है, निर्मल परिणाम है और क्षमा के धारी है, परंतु निमित्त ऐसे आते हैं। उन निमित्तों के अंदर अगर मानव अपने आप पे कंट्रोल करे तो इस जीव का कल्याण स्वयं कर सकता है। जीव के कल्याण के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। क्या कर सकते हो? निमित्त बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं आपको। मालिक के जीव को भगवान आजगार 10 मिनट मिला, इतने सुंदर तीर्थंकर जैसे महापुरुष सुंदर उपदेश दिया, परंतु जिसके अंदर नहीं घुस सकता है वो अपना कल्याण कर नहीं सकता। भरत चक्रवर्ती ने भगवान आजगार के समोषण में पूछा कि हे भगवान, आपके जैसे मेरे परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होगा जो आपके जैसे तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सके? भगवान आदिनाथ की वाणी में आया, हे भरत, दूर कहां जाते हो, इसी समोषण के अंदर तुम्हारा एक पुत्र मालीच बैठा हुआ है, आगे जाकर के यही तीर्थंकर बनेगा। परंतु जैसे ही एक शब्द मारिस ने सुना कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, फिर क्या चाहिए, एक सेकंड समोषण में नहीं रह सका और समोषण से बाहर आकर के आज मारिस के जीव ने 363 मिथ्या मतों की आराधना की, मिथ्या मत चला दिए। परंतु आप सोचिए, जिस मारिस ने 363 मिथ्या पर चलाए, वही मारी गुरु के उपदेश से शेर के पर्याय में सम्यक्त को ग्रहण किया और विचार को निकाला, 363 पदों को दूर किया और स्वयं 10 भव के बाद तीर्थंकर बन गया। तो आप सोचिए, जिसने चलाया उसने छोड़ करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करके मोक्ष चले गए, तो जिनने उन 363 मंत्रों को पालन किया, जिनने अपनाया, वो आज तक संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए कसाय जीव का क्या चीज है? नाशक है, दुखदाई है, कष्टा है और 8 रोज ध्यान में ले जा करके गिरा देता है। देखिए, एक मुनराज कहीं जा रहे थे बिहार करके, एक नगर में पहुंचे और नगर से पुनः जंगल की तरफ जाना था तो राजा के महल के नीचे से निकलने का मार्ग था। राजा के महल के नीचे से जब निकल रहे थे, राजा रानी ऊपर अपने महल में चौपड़ खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई साधु आ रहे हैं, लेकिन रानी की नजर जब साधु पे पड़ी, उसने तो सोचा ये तो मेरे भाई है, तत्काल वो चौपड़ छोड़ करके
दर्शन करने के लिए देखी हमें, परंतु राजा को इतनी दशाएं उत्पन्न हुई अनंतर्बंदी, उसने कहा ये कौन आ गया जो मेरे चौपड़ के अंदर विघ्न डालता है। अपने द्वारपालों से, उस कसाई के कारण से द्वारपालों से कहा इसको ले जाकर जंगल के अंदर शरीर को छिन्न भिन्न कर दो और इसके शरीर में भूसा भरा दो। सोचिए आप कितनी कसाई आती है और एक क्षण के लिए कितने कसाई, एक क्षण के अंदर जहां चौपड़ फेंक रहे थे, जहां रागी बने हुए थे, वहां वही रात कसाई में परिवर्तन हुआ और मुनिराज को कितना कष्ट। इसी प्रकार कोई भी जीव हो, कसाई संसार के अंदर दुख का ही कारण है। नेमनाथ भगवान के समोषण में दीपायन मुनि बैठे हुए थे, जब कृष्ण जी ने प्रश्न किया नेमनाथ भगवान से, ये भगवान ये द्वारका मेरी रची हुई, द्वारका देवों के द्वारा रचना की गई है, ये द्वारका कब तक रहेगी। नेमनाथ भगवान के वाणी में आया कि दीपायन मुनि के द्वारा ये द्वारका नष्ट हो जाएगी, जल करके भस्म हो जाएगी। दीपायन मुनि ने सोचा कि मेरे द्वारा वो द्वारिका नष्ट हो, मैं इस प्रांत को छोड़कर ही दूसरे प्रांत में चला जाऊंगा, परंतु भगवान की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। 12 वर्ष तक दीपायन मुनि बाहर रहे, लेकिन 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात उसी द्वारका में पहुंच गए। यादवों के बच्चों के द्वारा शराब पी करके और वे पागल हो गए और मुंडा के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, गालियां देने लगे, बड़ा उपसर्ग किया। देखिए आप दीपायन मुनि को एक क्षण के लिए कसाय उत्पन्न, आप सोचिए कसाय के कारण से क्या हुआ, तेजस पुतला निकला शरीर से, खंधे से, और क्या हो गया, 12 योजन की नगरी को जगा करके नष्ट कर दिया। ये कसाय है, मानव को दुखमय बनाता है और इस संसार से पार होने का मार्ग भी नहीं दिखाने देता। कसाय 4 प्रकार की होती है, अनंतर्बंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजनन। इन 4 कसाय के कारण से मानव संसार में भ्रमण करता है। देखिए अनंतर्बंदी कसाय किसे कहते हैं, जो 6 महीने के पश्चात 1 दिन भी अगर आगे निकलती है तो वह कसाय अनंतर्बंदी बनती है और वह कसाय आपको नरक में ले जाकर के डाल। 6 महीने तक अगर किसी से हमारा झगड़ा हुआ और बोलचाल नहीं हुई, जय जिनेंद्र नहीं हुआ, तो वह अनंतर्बंदी कसाय हो जाती है। 15 दिन तक अप्रत्याख्यानी कसाय होती है और संजरण कसाय एक अंतर मुहूर्त के लिए होती है। आप सोचिए एक अंतर मुहूर्त के रहकर के भी इतनी कसाय तीव्र हो जाती है कि दीपायन जैसे मुनि के पुतला निकल जाता है, इतनी मंद होती है संजरण कसाय कि श्रेणी आरोहण कराने के लिए तैयार कर देती है। ये कसाय है, जितना आपके परिणाम होंगे, जितने आपकी भावनाएं बनेगी उतना ही आप तेज करोगे और जितने आपकी भावना निर्बल बनेगी उतनी वह कसाय कम होती चली जाएगी। इसी प्रकार प्रत्येक मानव को हर समय ये सोचना चाहिए, हे भगवान कहीं अनंतर्बंदी कसाय तो मेरे साथ नहीं बन गई, उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। अभी आपने माता जी से सुना कि राजा श्रेणी किस प्रकार मुंडा के गले में मरा हुआ सर उतार दिया, कितनी कसाय होगी उनकी, कितनी कसाय बैठी हुई होगी, कितने कसाय से उन्हें वो सर्प को मुंडा के गले में डाला और क्या किया, 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंद किया।
परंतु एक रानी चेलना के संबोधन से रानी चेलना ने कहा, राजन आपने जो पाप किया उससे आपको नरक में जाना पड़ेगा। मुझे मुंडाल के गले में सर्प डालने का कोई दुख नहीं है। साधु तो सर्व उपदेशों को सहन करने के लिए ही दिगंबर वेश को धारण करते हैं। वे तो सोचते हैं कोई उपसर्ग करने वाला आवे ताकि मेरे कर्मों की निजरा हो। लेकिन जो उपसर्ग करने वाला है उसको कितना पाप का बंध होता है, वो सांप के नरक की आग का बंध करता है। परंतु रानी चेलना ने क्या कहा कि मुझे साधु का कोई दुख नहीं, लेकिन मुझे आपका दुख है कि मेरी जैसी रानी होकर के और मेरा राजा नरक में जाए, यह मुझे बहुत बड़ा दुख है। एक शब्द के संबोधन से रानी ने अपने पति को चिट्ठा कर तो प्राप्त कराने का पुरुषार्थ करा दिया। इसी प्रकार हमें भी यही सोचना होगा कि इन कसायों से हम कितना दूर रह सकते हैं। ऐसे निमित्त को हम दूर करने का प्रसार करें ताकि जिसके द्वारा हमारा परिणाम निर्मल बना रहे, उन्हीं परिणामों से यह जीव अपने उन कसायों को दूर करते हुए अपने परिणामों के द्वारा आगे धर्म को साधन करते हुए स्वर्ग और मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में इस प्रकार के निमित्तों को दूर करके और अच्छे निमित्त मिलाइए। अच्छे निमित्त मिलेंगे, अच्छे परिणाम होंगे। देखिए अंधेर जैसा चोर निमित्त मिलाया जिंदा सेठ का और संसार से पार हो गया। इसी प्रकार हम भी अपना कल्याण करें। बोले चंद्रा तुम भगवान की। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।